हे गाइस, दिस इज प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम 2018 में रिलीज्ड एक हॉरर फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है द कर्स्ड। कहानी के स्टार्टिंग में हम एक आलीशान घर में एक आदमी को देखते हैं जिसे रात के अंधेरे में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का सामना करना पड़ता है। एक खूबसूरत लड़की की आत्मा चुड़ैल बनकर उस पर हमला कर देती है, उसे कमरे में बंद कर देती है, इवन आईने पे उसे अपनी मौत भी दिखाती है। नेक्स्ट सीन में हम एक आमुई नाम के लड़की से मिलते हैं जो बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है, हांगकांग में प्रैक्टिस करती है। उसका अपना कोई नहीं, बचपन से उसकी परवरिश एक ऑर्फनेज में हुई है और अभी वो एक घर में अपने तीन दोस्तों के साथ रहती है, जेसिका और एमी। वो लोग भी अनाथ हैं तो उनके बीच एक सिस्टरली बॉन्ड फॉर्म हो चुकी है। एक दिन आमुई को अपने स्कूल के प्रिंसिपल से कॉल मिलता है, वो उससे अर्जेंटली मिलने के लिए बुलाती है। उनके आवाज से आमुई को लगता तो है कि कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन असली वजह काफी शॉकिंग थी। स्कूल जाने पर उसे पता चलता है मलेशिया से उसके लिए एक लीगल नोटिस आया है जिस पे लिखा है आमुई के दादी का देहांत हो चुका है और उनके प्रॉपर्टी को क्लेम करने आमुई को मलेशिया जाना पड़ेगा, वो भी बहुत जल्द। आमुई हैरान हो जाती है, उसे इस दादी के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। वो प्रिंसिपल से भी पूछती है जिन्हें उसके पास्ट के बारे में सब पता है सिवाय इस बात के। वो कहती है 20 साल पहले आमुई जब स्कूल में आई थी तब उसे अपने नाम के सिवा और कुछ भी याद नहीं था। एक एक्सीडेंट में उसकी मेमोरी डिलीट हो चुकी थी। उसके साथ एक आदमी आया था उसका एडमिशन करवाने, उससे उस टाइम के प्रिंसिपल की बात हुई थी। उन्हें शायद सब कुछ पता था मगर वो बातें कन्फिडेंशियल रही, बाकी टीचर्स को कभी कुछ पता ही नहीं चला। उनके रिटायरमेंट के बाद जब ये लेडी प्रिंसिपल बनी तब उन्हें पता चला आमुई के लिए हर महीना मलेशिया से एक पेमेंट आता था जिससे उसके परवरिश में कोई कमी ना हो। ये जरूर उसकी दादी ही होगी मगर आमुई समझ नहीं पाती उन्होंने जिंदा रहते वक्त उससे कांटेक्ट क्यों नहीं की। आमुई पूरा जीवन एक परिवार के लिए तरसती रही, अभी उस मरे हुए दादी का पैसा उसे नहीं चाहिए, इसीलिए वो उस लेटर का जवाब ना देने की डिसाइड करती है। कुछ दिन बाद एक लेडी आती है उससे मिलने, अपना नाम बताती है को, वो एक लॉयर है, मलेशिया में प्रैक्टिस करती है और उसने ही आमुई को वो चिट्ठी भेजी थी। वो आमुई को रिक्वेस्ट करती है पैसे के लिए ना सही मगर अपने दादी के लिए तो उसे लौटना चाहिए। इस बात पे आमुई और मना नहीं कर पाई, वो जाने के लिए मान जाती है और हम नोटिस करते हैं इस लॉयर को छूते ही आमुई को अजीब सा फील होता है, एक अजीब सा सेंसेशन। नेक्स्ट डे वो अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए मलेशिया रवाना हो जाती है। उन्हें रिसीव करने आती है आलीन, मिस को की कलीग। उनके ऑफिस में आमुई से मुलाकात होती है सोहन नाम के एक बंदे की, वो उसके दादी की फ्यूनरल होस्ट है। आमुई उसे पहचान तो नहीं पाई, एक्चुअली वो तो इस दादी को भी याद नहीं कर पा रही थी मगर सोहन के बातों से क्लियर था कि वो आमुई को जानता है बहुत अच्छे से। उनके रहने का इंतजाम एक 5-स्टार होटल में किया गया था मगर आमुई को रात में नींद नहीं आती, उसे अजीबोगरीब सपने आने लगते हैं। वो अपने आप को एक बगीचे में पाती है जहाँ जेसिका और एमी की लाश पड़ी थी। एक बहुत ही अजीब सा गाना बज रहा था और सब कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग था। नेक्स्ट डे को उन्हें लेकर आमुई के दादी के घर दिखाने ले जाती है और हम देखते हैं ये तो वही घर है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। आमुई के साथ उस आदमी की मुलाकात भी होती है इस घर में। उसके दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, वो अपना नाम ब्रदर ऑसम बताते हैं और बहुत सारे इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन इस सब के बीच वो आमुई को इस घर के बारे में वार्न करना नहीं भूलते। कहते हैं ये घर बहुत डेंजरस है, चुड़ैल रहती है इस घर में। आमुई उनके बातों पर उतना ध्यान नहीं देती, ऑफ कोर्स उनकी दिमागी हालत को देखते हुए, लेकिन ठीक उसी वक्त घर में कुछ ऐसा होता है जो उनके बातों को ही सच साबित करता है। हम जेसिका को देखते हैं वॉशरूम में, वो एक टिश्यू पेपर फेंकती है डस्टबिन के अंदर नहीं बाहर, मगर उसके निकल जाते ही एक चुड़ैल आकर उस कचरे को उठा के डस्टबिन में फेंक देती है। उधर आमुई को एक गाना सुनाई देता है, ये गाना उसे सपने में भी सुनाई दिया था। वो जब आवाज को फॉलो करके ऊपर जाती है तो उसके सामने एक दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, जैसे कोई उसे इशारा दे रहा हो इस रूम में जाने के लिए। ये किसी बच्चे का कमरा लग रहा था। यहाँ आमुई को एक क्लोजेट दिखता है जिसके अंदर किसी ने स्क्रैच किया था और जब वो आईने पे देखती है वहां उसे क्लियरली एक बच्चे की आत्मा दिखती है जो उसके पैर पकड़ लेती है। दरवाजा भी बंद हो चुका था, फाइनली सोहन आकर उसे बचाता है। वो लोग और उस घर में रहना नहीं चाहते थे तो तभी सब लोग एक साथ भाग जाते हैं और उनके जाने के साथ साथ ये घर बिल्कुल पहले की तरह हो जाता है। मेन गेट अपने आप बंद हो जाता है, फर्नीचर चादर से ढक जाते हैं और दादी की तस्वीर भी ढक जाती है।
हम समझ पाते हैं ये आत्मा जो कोई भी है इस घर से उसका बहुत लगाव है। नेक्स्ट डे सोहन आमुई को एक फोटो दिखाता है और उसे छूते ही आमुई जैसे एक दूसरे दुनिया में पहुंच जाती है। उसके आसपास कोई नहीं रहता। उसे पानी में कोई दिखता है जो शायद डूब रहा था, लेकिन आमुई जब उसे बचाने के लिए पानी में कूदती है तो उल्टा उसे ही कोई डुबोकर मारने की कोशिश करने लगता है। पानी के नीचे बेहोशी के हालत में उसे कुछ फ्लैशबैक्स नजर आने लगते हैं जो उसके ही अतीत के थे। उसे अपनी दादी दिखती है, उनके साथ बिताई मोमेंट्स याद आती है। उसे याद आता है उसकी दादी उससे कितना प्यार करते थे। इतने सारे इमोशंस उस पर एक साथ हमला कर देते हैं कि आमुई बिचारी ट्रॉमेटाइज्ड हो चुकी थी। फिर से सोहन ही उसे रेस्क्यू करता है। सेंस लौटने के बाद उसके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके थे। वो श्योर थी ये उसकी ही दादी है और इसी घर में उसका बचपन बीता है, मगर अभी तक वो समझ नहीं पाई उसे हांगकांग क्यों भेजा गया था और उसके पेरेंट्स कौन थे। इसका डायरेक्ट आंसर तो किसी के पास नहीं था, मगर सोहन उसे कुछ हद तक मदद जरूर कर पाता है। कहता है आमुई के पेरेंट्स की मौत एक कार क्रैश में हुई थी। आमुई को जन्म देने के तुरंत बाद ही उसकी माँ भी गुजर गई। उसके बाद आमुई के दादी ने ही उसकी परवरिश की। सोहन को इतना कुछ पता है क्योंकि वो आमुई का नेबर हुआ करता था। बचपन में वो दोनों एक साथ खेलते थे, लेकिन आमुई को हांगकांग भेजने वाली बात आज तक उसे भी समझ नहीं आई। एक दिन अचानक से ही उसे पता चला आमुई बीमार है, बहुत तेज बुखार है उसे और उसके सारे मेमोरीज डिलीट हो चुके हैं। उसके तुरंत बाद ही उसे हांगकांग भेज दिया गया। सोहन भी कभी उससे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाया। वो तो दादी के मौत के बाद उसे लॉयर को से पता चला कि आमुई वापस आ रही है। पुराने दोस्त से मिलकर आमुई को बहुत अच्छा फील होता है। लगता है वापस आने का डिसीजन इतना भी गलत नहीं था, या फिर नहीं, हकीकत कुछ और ही कह रहा था। आमुई के अनजाने में उसके दो बेस्ट फ्रेंड्स के ऊपर वो शैतानी रूह हमला कर देती है। जेसिका को आसपास एक काला साया नजर आने लगता है और एमी को ऐसा लगता है कि एक छोटी सी बच्ची उसके बिस्तर पर कूद रही है। जब वो भागने की कोशिश करती है तो ये आत्मा उसे चोक करने लगती है। बाकी रात इनमें से कोई भी सो नहीं पाते। नेक्स्ट डे भी जेसिका और एमी काफी डिस्टर्ब्ड दिख रहे थे। आमुई उनसे पूछती भी है, मगर ये लोग खुद भी श्योर नहीं थे, इसीलिए कुछ बोल नहीं पाते। उसी दिन सोहन उन्हें मॉर्ग ले जाता है और हम एक वियर्ड चीज नोटिस करते हैं। आमुई की दादी काफी यंग दिख रही थी, जबकि उनकी उम्र कुछ कम नहीं। साथ में हम वहां भी उस छोटी सी बच्ची की आत्मा को देख पाते हैं और वो काफी दुखी दिख रही थी, जैसे वो भी शोक मना रही थी। नेक्स्ट डे फ्यूनरल था तो अरेंजमेंट्स के लिए सभी लोग उस घर में जा पहुंचते हैं। वैसे भी जेसिका और एमी को लग रहा था प्रॉब्लम उस होटल में है, तो वो और वहां रहना नहीं चाहते थे। उधर उसी दिन और एक हादसा होता है। हम मिस को और आलिन को देखते हैं किसी बात पे आर्ग्यू करते हुए। पता चलता है वो लोग मिसेस चेंग के विल को लेकर झगड़ रहे हैं। मिसेस चेंग यानी कि आमुई की दादी। आलिन को लगता है मिस को ने विल में बदलाव किया है। उसे क्लियरली याद है एक्चुअल विल में लिखा था मिस चेंग के घर को बेचकर उस पैसे को आमुई तक पहुंचाने के लिए। आमुई को तो मलेशिया आने से मना किया गया था, लेकिन अभी इस विल में लिखा है प्रॉपर्टी का हक पाने के लिए आमुई को आना होगा मलेशिया। ये कैसे हुआ? उनके बॉस ने ये काम इन दोनों पर सौंपा था, मगर प्रोसेसिंग के दिन अचानक वो कहीं गायब हो गए और उसके बाद मिस को ने सारे फाइल्स अपने पास ही रख लिए। अपने अकॉर्डिंग सारे अरेंजमेंट्स करने लगी वो। आलिन कुछ समझ नहीं पाते मिस को ये सब क्यों कर रही है। उसका जरूर कोई पर्सनल इंटरेस्ट होगा जो आमुई के लिए बेनिफिशियल नहीं भी हो सकता है। ये सोचकर वो आमुई को इन्फॉर्म करने के लिए निकल पड़ती है असली विल के साथ। और इधर हमें फ्लैशबैक में पता चलता है मिस को के ऐसे बर्ताव की वजह क्या है। कुछ दिन पहले की बात है, हम मिस को और उसके बॉस को देखते हैं इसी विल के बारे में बातचीत करते हुए। मिस को फाइनल एडिट कर रही थी, लेकिन बॉस के निकल जाने के साथ साथ अचानक लाइट्स फ्लिकर करने लगते हैं, चीजें अपने आप हिलने लगते हैं और आईने पे एक काला साया नजर आता है। ये वही आत्मा थी जो इन दिनों आमुई के आसपास मंडरा रही है और उसने ही को पर कब्जा भी किया था। मतलब मिस को ये सब अपने मर्जी से नहीं कर रही थी, इनफैक्ट उसका अपना शरीर उसके वश में है ही नहीं, वो तो सिर्फ इस आत्मा के इशारे पर चल रही है। एट प्रेजेंट हम आलिन को देखते हैं होटल में, आमुई से मिलने जा रही थी वो, लेकिन वो आत्मा मिस को के डिस्गाइज में उसे रोकती है, चेस करती है, ऐसे डराती है जिससे आलिन अपना सुध-बुध खो बैठती है। उसे ध्यान ही नहीं रहता कि वो एलिवेटर के बीच फंस गई है। एलिवेटर चलना स्टार्ट करता है और बिचारी आलिन का शरीर दो टुकड़ों में बट जाता है। बेहद दर्दनाक मौत मिलती है उसे। इस सबसे बेखबर आमुई जाती है सोहन के साथ घूमने। सोहन उसे एक गाना सिखाता है जो बचपन में आमुई ने उसे सिखाई थी। वहां भी वो आत्मा उनका पीछा करती है को के शरीर में। उनके दोस्ती से उसे बहुत जलन हो रही थी, वो जैसे इन दोनों को एक साथ सहन ही नहीं कर पा रही थी।
वो अपने शक्ति से स्ट्रीट लाइट्स को फोड़ कर उन पर फेंकती है। किसी को कुछ होता नहीं, मगर आमय और सोहन दोनों को ही कुछ अनयूजुअल फील होता है। वो लोग घर लौट आते हैं, जहां को सोहन को सीड्यूस करने की कोशिश करती है। वो भी आज रात इसी घर में रुकने वाली है, लेकिन सोहन उसके तरफ देखता तक नहीं। वो तो आमय को पसंद करता है बचपन से। उसी रात हम ब्रदर ऑसम को देखते हैं मिस को के कमरे में झांकते हुए, लेकिन किसी गलत इरादे से नहीं। असल में उन्हें मिस को के असलियत के बारे में पता है, लेकिन उस आत्मा ने उनका मुंह बंद करके रखी है। इनफैक्ट उन्हें पागल भी उसी आत्मा ने बनाई है। ब्रदर ऑसम का असली नाम तो हमें नहीं पता चलता, मगर वो मिसेस चैंग के बहुत अच्छे दोस्त थे। हर छोटे मोटे काम भी उनकी मदद करते रहते थे। मिसेस चैंग को पता था उनके पागलपन के पीछे किसका हाथ है, इसलिए तो वो उनसे माफी मांगती थी। लेकिन इस आत्मा के साथ उनका क्या ताल्लुक, वो हमें बाद में पता चलेगा। मिसेस चैंग के फ्यूनरल में भी मिस को पार्टिसिपेट करती है एज अ फैमिली मेंबर। कोई कुछ समझ नहीं पाती वो कब से इस फैमिली का हिस्सा बन गई, मगर वो किसी के रोकने से नहीं रुकती। वो सब कुछ करती है जो आमुय कर रही थी। आमुई सपने में अपने दादी को देखती है, जो उसे मलेशिया छोड़कर जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। कहती है, यहाँ पर वापस आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। साथ में उसी रात बातों बातों में उसे सोहन से पता चलता है उसके दादी के लंग्स में बहुत सारे एमनियोटिक फ्लूइड मिला था, शायद इसीलिए वो इतनी यंग दिखती थी। मगर एमनियोटिक फ्लूइड तो सिर्फ फीटस सैक में रहता है, एक ओल्ड लेडी के शरीर में कहां से आया। जब आमुई इन सब सवालों से डील कर रही थी, तभी एमी पर वो आत्मा जानलेवा हमला करती है। पिछले कुछ दिनों से उसे अपने कंधे पे एक बोझ फील हो रहा था, मगर उसे कोई आइडिया नहीं था ये आत्मा उस पर बैठी है, और अभी वही आत्मा उसका गला दबा रही थी। बेचारी एमी पैनिक करने लग जाती है, वो सांस नहीं ले पा रही थी, और ऐसे ही घुट घुट कर उसकी मौत हो जाती है। सबके अनजाने में इवन उसकी लाश तक गायब हो चुकी थी। नेक्स्ट डे सोहन को पता चलता है आलिन के मौत के बारे में। उसके फोन पे लास्ट डायल्ड नंबर उसका ही था। भले ही सोहन ने फोन नहीं उठाया, लेकिन अभी पुलिस को उसकी मदद चाहिए इन्वेस्टिगेशन में। इधर घर में सभी एमी को ढूंढने लग जाते हैं, शाम तक उसका कोई पता नहीं चलता। फाइनली रात में जेसिका को उसका कॉल मिलता है। उसी कॉल को ट्रेस करके जेसिका घर के पीछे जा पहुंचती है, जहां उसके सामने कहीं से एमी की लाश आ गिरती है। इस डर पर काबू करने से पहले ही खुद जेसिका पर हमला होता है। पेड़ की एक टहनी उसके लिए फांसी का फंदा बन जाती है, और वहीं पर उसी पेड़ से लटक के उसकी मौत हो जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज से जब तक आमुई वहां पहुंचती है, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। उसे याद आता है अपने सपने के बारे में, एग्जैक्टली यही सीन तो उसने देखा था। दूर से उसे किसी के घुर्राने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई जंगली जानवर हो, लेकिन असल में तो ये वही अतृप्त आत्मा थी जिसका नेक्स्ट टारगेट बनती है आमुई। डर के मारे आमुई उसी क्लोजेट में जाके छुपती है। उसे याद आता है ये स्क्रैच उसका ही किया गया है। बचपन में भी उसे एक बच्चे की आत्मा डराती थी, और आज भी वो उसका पीछा कर रही है मिस को के माध्यम से। शायद इसीलिए आमुई को उसे छूने से झटका लगा था। मिस को आमुई को एक कमरे में ले जाती है, जहां आमुई को उसके अंदर की आत्मा वही छोटी सी बच्ची नजर आती है, और रिवील होता है इस फिल्म का क्लाइमैक्स। हमें पता चलता है ये बच्ची आमुई की ही ट्विन सिस्टर है, जिसे जन्म से पहले ही मरना पड़ा था। जिस दिन उनके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था, उनके माँ ने उस हालत में भी अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की। अपने पेट को काट के उन्होंने एक बच्चे को बाहर तो निकाली, मगर दूसरे को निकालने से पहले ही एक्सेसिव ब्लीडिंग से उनकी मौत हो गई। दूसरे बच्चे को जीने का मौका तक नहीं मिला। इसमें आमुई की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसकी बहन उसे ही जिम्मेदार मानती रही। उसे भी वो सब कुछ चाहिए था जो आमुई को मिल रहा था, दादी का प्यार, सोहन की दोस्ती, मगर उससे तो सभी डरते थे। दादी ने कई बार उसे जाने के लिए रिक्वेस्ट की, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया, और वायलेंट होकर वो आमुई पर हमला करने लगी। एक दिन उसी हमले से आमुई शॉक में चली गई, उसका मेमोरी डिलीट हो गया। तब उसके दादी ने मजबूरन उसे मलेशिया भेज दी सबसे छुपाकर। तब से ये आत्मा आमुई को ढूंढ रही है। उसने अपने दादी के शरीर में एमनियोटिक फ्लूइड डालकर उसे लंबी उम्र देने की कोशिश की, जिससे उसे प्यार मिल सके, लेकिन वो समझ नहीं पाई इससे उसके दादी पर क्या बीता। फाइनली जब उनका शरीर ये सब झेल नहीं पाया, तो उन्हें एक दर्दनाक मौत मिली। और आज आखिरकार इस आत्मा ने मिस को पर कब्जा करके आमुई तक पहुंच ही गई। वो आमुई को नहीं छोड़ेगी, मार डालेगी उसे। बंद कमरे में वो आमुई पर हमला करने लगी। फॉर्चुनेटली उसी वक्त सोहन पुलिस स्टेशन से लौट आया और आमुई को लेकर घर से भाग गया, और इस आत्मा को संभालने लगे ब्रदर ऑसम, जिस कारण से उन्हें भी बेमौत मरना पड़ा। इसके बाद ये आत्मा आमुई को अपने जाल में फंसाने लगी। उसे सोहन में वो आत्मा नजर आने लगी थी। आमुई इतनी डर जाती है कि कांच के टुकड़े से सोहन को ही मार डालती है। उसके लिए इतने सारे लोगों को मरना पड़ा, ये कम आमुई बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो अपने दिमागी संतुलन खोने लगती है, और ठीक तभी उसके सामने आती है उसकी बहन,
उसका ही रूप लेकर उसके दिमाग के साथ खेलने लगती है। वो कहती है, सभी को तो खो चुकी है वो, अभी उसे वो दर्द मिलेगा, समझ आएगा प्यार ना पाने से कैसा लगता है। यह कहकर वो अमूय के हाथ से कांच का टुकड़ा अपने ही पेट में घुसा देती है। नहीं, वो अपनी मौत नहीं चाहती थी, बल्कि अपने करतूतों के लास्ट विटनेस मिस को मारना चाहती थी। ये सब खुले रास्ते पर हो रहा था, तो देखते ही देखते वहाँ पुलिस आ जाती है। सबके नजरों में तो अमूय ही गुनहगार थी, तो उसे ही अरेस्ट किया जाता है। तब तक अमूय भी कम्प्लीटली पागल बन चुकी थी, तो वो भी खुद को डिफेंड नहीं कर पाई। फाइनल सीन में हम अमूय को एक मेंटल इंस्टीट्यूट में देखते हैं। आखिरकार उसके बहन का बदला पूरा हो ही गया। द एंड। दोस्तों, मुझे ये कहानी ठीक ठाक लगी, एंटरटेनिंग है, जंप स्केयर सीन्स है, रिवेंज प्लॉट भी बढ़िया है, अ परफेक्ट वन टाइम वॉच। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।